तो इंडिया डेली लाइव का इंडिया मंच, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका जी। सबसे पहला सवाल मैं अयोध्या से शुरुआत करूंगा। अयोध्या में हालिया जो अभी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी की ओर से ये पक्ष रखा जा रहा है कि अयोध्या की जो विधानसभा है वहाँ पर हम जीते हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जाति समीकरण गड़बड़ाया, वहाँ पर हार और जीत एक दूसरे का अंग है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत पाए हैं, 41%, समाजवादी ने 33 पाए हैं, अभी हमसे वो 8% पीछे हैं, यानी लाखों वोट से भी वो हमसे पीछे हैं। नंबर वन पहले भी हम थे और आज भी हैं। जहाँ पर हमें कम वोट आया है हम समीक्षा करेंगे और उस जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे। तमाम इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि वहाँ के अयोध्या वासियों को मुआवजे की मांग को लेकर ये झूठ है और असत्य है। ये जहाँ की आप बात कर रहे हैं, ये अयोध्या की, कि अयोध्या में मंदिर बनते समय जिनको हटाया गया एक एक व्यक्ति को मुआवजा दिया गया। अगर वहाँ कोई असंतोष होता तो अयोध्या में हम जीतते कैसे? अयोध्या में तो हम जीते हैं। अयोध्या विधानसभा में जहाँ पर मंदिर बना है, जहाँ जो स्थानों का अतिक्रमण हटा है, तो वहाँ पर हमने मुआवजा दिया है, लोग खुश हैं, उनकी आमदनी पहले से बढ़ी है, इसलिए वहाँ पर हम जीते भी हैं। जहाँ पर कमी आई वहाँ पहले भी विपक्ष जीतता आया है, कभी मित्रसेन यादव जीत कई बार जीते हैं, कई बार निर्मल खत्री जीते हैं, कई बार दूसरे और लोग भी जीते हैं। इसलिए चुनाव है, चुनाव में अगर कहीं कम है तो अगली बार केवल और केवल हम हैं। ठीक, एक सवाल पूछने की जहमत आखिरी में और करना चाहूँगा। अखबारों में हेडलाइन पटी पड़ी है इस वक्त, इस तरह की बातें हो रही हैं कि भाई मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच कहीं ना कहीं कुछ अनबन चल रही है, इन हेडलाइन को आप स्पष्टीकरण कर दें। बीजेपी कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बस एक लाइन में यहाँ कहेंगे, यहाँ कोई नेता नहीं होता, यहाँ सब कार्यकर्ता होते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कभी मतभेद नहीं हुआ करते।